पबजी पबजी एंड पबजी गाइज, ये पबजी हमारा पीछा नहीं छोड़ती ना। और इंडिया में तो भर भर की न्यूज़ चल रहा था कि पबजी बैन इन इंडिया। तो गाइज फाइनली मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था और मैंने भी आपको बताया था कि पबजी बैन इन इंडिया। अब गाइज पबजी जो है रिटर्न आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसा प्रोसेस है और क्या है पीछे की पूरी जानकारी, सारी डिटेल्स मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज यहाँ पे बात करते हैं पबजी की शुरुआत से। तो गाइज पबजी जो है ब्लू होल कंपनी की है, जो एक साउथ कोरिया कंपनी है। इससे पहले भी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको कि साउथ कोरियन कंपनी है। अब गाइज ये ब्लू होल जो है, इन्होंने जो एक ऐप डेवलप किया था जिसे एप्लीकेशन या गेमिंग में ले सकते हैं, ऐप डेवलप होने के बाद गेमिंग में आ जाता है वो, तो गेम डेवलप किया जिसका नाम था पबजी। अब गाइस ये पबजी जो है उन्होंने डेस्कटॉप वर्जन बनाया था। अब डेस्कटॉप वर्जन जो है 2018 में हमारी इंडिया में भी लॉन्च हुआ, ऑल ओवर जो हर जगह पर लॉन्च हो गया था। तो लॉन्च होने के बाद गाइस उसमें हुआ क्या कि वो ओनली पीसी पे अवेलेबल था। पीसी पे होने के बाद एक टेंसेंट कंपनी है जो एक चीनी यानी चाइनीज़ कंपनी है। अब उस चाइनीज़ कंपनी ने क्या किया कि इनसे अथॉरिटी ली, कॉपीराइट अथॉरिटी ली और उसने साझा किया कि आपकी गेम प्ले तो है लेकिन इस गेम प्ले में हम इसका मोबाइल वर्जन बनाएंगे। मतलब आपने डेस्कटॉप वर्जन बनाया, हम इसका मोबाइल वर्जन बनाएंगे। तो गाइस इसके वजह से साउथ कोरिया जो है उसने टेंसेंट से टाइप कर लिया, यानी पार्टनरशिप हो गई इन दोनों में। पार्टनरशिप होने के बाद क्या हुआ गाइस कि इन्होंने डेवलप कर दिया एक मोबाइल वर्जन। अब मोबाइल वर्जन में गाइस हमारे पूरा इंडिया जो है वो खेल रहा है बड़े आराम से। अब यहाँ पे गाइस ये बात करते हैं कि पबजी जो हमारे इंडिया में बैन हो चुका है, पबजी बैन होने के बाद प्ले स्टोर से भी रिमूव हो चुका था, फिर भी प्ले उसके बाद भी आप इसे क्यों खेल पा रहे थे, कैसे खेल पा रहे थे और क्यों चल रही थी आपके मोबाइल फ़ोन में? तो गाइस यहाँ पे एक फैक्ट वाली बात है, मैं आपको बता दूँ गाइस, जिस टाइम पर भी आप पबजी खेलते हो, अगर आप पबजी का प्लेयर हो तो आपको पता होगा कि उसमें मैप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पर क्या मिलता है, नॉर्थ अमेरिका, आपको KGPD ऐसी कुछ आता होगा, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता है। और गाइज वो सारे मिलते हैं आपको वहाँ पे देखने के लिए, और वहाँ पे एशिया महादेश भी आता है। अब गाइज आप यहाँ पे आइडिया लगाओ कि एशिया महादेश के अंदर कितने देश आते हैं। एशिया एक बहुत बड़ा महादेश है और 7 देश आते हैं उसके अंदर। तो गाइज एशिया जो है, एशिया सर्वर को एकदम से ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस एशिया सर्वर में खाली इंडिया ही नहीं आता और भी जो है कंट्री आती है। इस वजह से गाइस एशिया सर्वर को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल था रिसेंटली टाइम में। अब गाइस यहाँ पे कंट्री वाइज जो है ब्लॉक किया जाता है, एशिया सर्वर को तो ब्लॉक नहीं करेंगे वो, यहाँ पे ये उस सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ओनली इंडिया में बैन हो सके। इसलिए गाइस प्ले स्टोर से रिमूव होने के बाद भी आपके फ़ोन में चल रहा था और ये एक डेस्कटॉप वर्जन था जिसकी वजह से टेंसेंट ने टाइप करके मोबाइल वर्जन बनाया। और साउथ कोरिया कंपनी का इस टाइम पे साफ कहना है कि हम इसे इंडिया में बैन होने नहीं दे सकते, इसलिए आप इसे अभी भी एक्सेस कर पा रहे हो। और फाइनली गाइस प्ले स्टोर पे भी ये फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि गाइस टेंसेंट से साउथ कोरिया का कहना है कि हम इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको पबजी के कई अपडेट मिल चुके होंगे जिसमें गाइस सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के अपडेट दिया गया था साउथ कोरिया की तरफ से। लेकिन गाइस उन्होंने क्या किया कि टेंसेंट से उनकी डील चल रही है, जो भी उनके लॉ हैं उनसे बातचीत चल रही है और टेंसेंट को साइड हटा दिया जाएगा। और अब जो आपको पबजी देखने को मिलेगा, जो गेम प्ले देखने को मिलेगा, वो ओनली साउथ कोरिया का होगा। अब गाइस इस पर भी मीटिंग चल रही है, बात चल रही है और हमारे गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच चुकी है। अब फाइनली क्या डिसीजन आता है वो देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना तो गाइस पता चल चुका है कि हमारे इंडिया में जो है अभी पबजी बैन नहीं है, आप सर्वर का एक्सेस कर पा रहे हो। अगर पबजी सच में बैन हो जाती गाइस, पबजी रिमूव हुआ है यानी बैन लगा था पबजी पे लेकिन सर्वर ब्लॉक नहीं किए गए, अगर सर्वर ब्लॉक होता तो वैसे भी आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। सो गाइस यही तो कुछ डिटेल जो मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी होगा ये सब नॉलेज। सो गाइस आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो करिएगा ही, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भैया ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।